इंदौर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस साइकिल रैली का शुभारंभ मंत्री जीतू पटवारी ने किया। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी ने खुद भी साइकिल चलाई। उनके साथ ही साइकिल रैली में संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव सहित अन्य खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जीतू पटवारी ने मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि खेल से हर परिवार जुड़े और प्रदेश के खिलाड़ी देशी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। इंदौर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस साइकिल रैली का शुभारंभ मंत्री जीतू पटवारी ने किया। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी ने खुद भी साइकिल चलाई। उनके साथ ही साइकिल रैली में संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव सहित अन्य खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जीतू पटवारी ने मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि खेल से हर परिवार जुड़े और प्रदेश के खिलाड़ी देशी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। इंदौर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस साइकिल रैली का शुभारंभ मंत्री जीतू पटवारी ने किया। इस दौरान मंत्री जीतू पटवारी ने खुद भी साइकिल चलाई। उनके साथ ही साइकिल रैली में संभाग आयुक्त आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव सहित अन्य खिलाड़ियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जीतू पटवारी ने मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि खेल से हर परिवार जुड़े और प्रदेश के खिलाड़ी देशी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। तो पत्रिका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।